चीन में उइगर मुसलमानों से भेदभाव होता है, उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है, मुसलमानों की मजहबी मान्यताएं तोड़ दी जाती हैं, मस्जिदों को ढहाया जाता है। चीन में उइगर मुसलमानों को रोजा, नमाज इन तक की मनाही है। अंतिम संस्कार के नियम कायदे हैं। चीनी डिटेंशन सेंटर में थर्ड डिग्री टॉर्चर देकर मुसलमानों को सुधारने का ढोंग किया जाता है। सवाल है कि जिनपिंग आर्मी उइगर मुस्लिमों पर इतने अत्याचार करती क्यों है। इस सियाह सच का खुलासा पहली बार हुआ है। चाइनीज टॉर्चर सेल पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा देखिए। चीन का उइगर डिटेंशन सेंटर, यहां कब्रिस्तान गिनते रह जाओगे। ड्रैगन की टॉर्चर आर्मी का स्टिंग। चीन का ये इलाका मुसलमानों की कब्रगाह के नाम से बदनाम है। शिनजियांग के रेगिस्तान में बने ये डिटेंशन सेंटर जिनपिंग का बूचड़ खाना कहे जाते हैं, जहां मजहब के नाम पर खूनी खेल होता है। मुसलमानों का जिस बेरहमी से चीन में सफाया किया जाता है, वो जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। दुनिया जानती है चीन में उइगर मुसलमान होना धरती का सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि ड्रैगन इन उइगर मुसलमानों को आतंकी मानता है, उन्हें कटीली बाड़ों वाले टॉर्चर सेल में बंद कर सुधारता है। ड्रैगन के इन डिटेंशन सेंटर्स में कभी कैमरे की एंट्री नहीं होती। कैंप से कई किलोमीटर पहले ही आम लोगों को रोक दिया जाता है। यहां तक कि किसी देश का कोई भी पत्रकार इन कैंपों में नहीं जा सकता। जिनपिंग आर्मी के कंट्रोल में चलने वाले इन कैंप्स में करीब 20 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। लेकिन मकसद क्या है? क्या सिर्फ मजहबी मान्यता से जिनपिंग की नफरत भर वजह है? होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। चाइनीज कसाई खाने में बंद उइगर मुसलमानों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। चीन में 135 टॉर्चर फैक्ट्री, ड्रैगन के 10 लाख उइगर बंधक, दुनिया का सबसे बड़ा नर्क लोक। जहन्नुम से जिंदगी, बात बात पर टॉर्चर, नाफरमानी पर मौत, क्या कहेंगे ऐसी जगह को। धरती पर अगर कहीं नर्क है तो चीन के शिनजियांग में है। मुसलमानों का नर्क लो, जहां उनके कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सजा मिलती है। सजा भी ऐसी कि सुनकर सिहरन हो जाए। शी जिनपिंग के कसाई खाने में कैद लाखों जिंदगियों पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिनपिंग आर्मी उइगर मुसलमानों को सुधारने के नाम पर जो जुल्म ढाती थी, उसकी वजहों का पता चला है। चीन के उइगर मुसलमान ड्रैगन के बंधुआ मजदूर हैं, जिनसे दिन रात सिर्फ काम लिया जाता है। हकीकत यह है कि शिनजियांग के टॉर्चर कैंप चीनी फैक्ट्रियां हैं, जहां उइगर मुसलमानों से हाड़ तोड़ काम लिया जाता है। न्यूज वेबसाइट बजफीट ने सरकारी दस्तावेज, उइगर मुसलमानों के इंटरव्यू और सैकड़ों सैटेलाइट तस्वीरों के सबूत के साथ चीनी टॉर्चर फैक्ट्री का खुलासा किया, जिसके मुताबिक चीन में कुल करीब 135 ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जहां पर लाखों की संख्या में उइगर मुसलमानों को बंदी बनाकर रखा गया है। इन उइगर मुसलमानों को 9 युआन के बदले महीने में मजदूरी कराई जाती है। चाइनीज फैक्ट्री के मजदूरों की गिनती, फैक्ट्री का एरिया, फैक्ट्री में खाक हो चुकी जिंदगियों का ब्यौरा, सब कुछ सामने आ चुका है। चीन में बीते 4 साल में कितने मुसलमानों की आजादी छीन ली गई, वो जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। साल 2016 के बाद से लेकर अब तक 10 लाख उइगर मुस्लिमों को चीनी सेना ने हिरासत में लिया। साल 2018 तक 1.40 करोड़ वर्ग फुट इलाके में फैली फैक्ट्री में इन्हें रखा गया। मुफ्त में मजदूरी कराने का जिनपिंग का कारनामा पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीनी अत्याचार का कच्चा चिट्ठा पहुंचने पर जिनपिंग का हिसाब जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।